मुझे मुंबई की हल्की सुनहरी रोशनी वाली सुबह बहुत पसंद है। धूल और धुएं के बीच मुंबई की मसरूफ सी सुबह। लोग कहते हैं कि मुंबई जितनी फैलती जा रही है, यहाँ प्यार उतना ही सिमटा जा रहा है। सब अपनी नौकरी से इतनी मोहब्बत कर बैठे हैं कि प्यार व्यार तो बस किताबों में या सिनेमा के ढाई घंटों में ही रह गया है। कभी भूले से किसी कॉफी शॉप में हो गया तो हो गया, वरना कोई चांस ही नहीं है। लेकिन एक सुबह मुझे दिखा वो किताबों वाला प्यार, किताबों के पन्नों से बाहर। नाम तो नहीं जानता उन दोनों का, लेकिन देखने से बेतहाशा मोहब्बत मालूम होती थी। ठीक अपने वक्त पे अंधेरी स्टेशन पे चले आते और भीड़ में खड़े चमकते रहते। कभी कभी ऐसा लगता कि जैसे मैंने उन्हें किसी वॉशिंग पाउडर की एडवर्टीजमेंट में देखा है। बस इसीलिए मैंने उन दोनों का नाम मिस्टर और मिसेस शर्मा रख दिया था। हाँ, मिस्टर और मिसेस शर्मा। ट्रेन आते ही मिसेस शर्मा मिस्टर शर्मा के कंधे पर उनका बैग क्रॉस करके टांग देती और उनका हाथ पकड़े अंदर बैठ जाती। सफर शुरू होता और मिस्टर शर्मा का न्यूज़पेपर खुल जाता। और मिसेस शर्मा के बैग से निकलता मेहरूनी रंग का ऊन का गोला, जिससे वह बुनने लगती एक मेहरूनी रंग का स्वेटर। सफर गुजरता और ऊन का गोला छोटा पड़ता और मेहरूनी बड़ा होता जाता। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते। कभी स्वेटर का गला बुनता तो कभी स्वेटर की कमर। और एक दिन मेहरूनी का बायां बाजू भी सिल चुका था। काफी खुश लग रही थी वो मेहरूनी स्वेटर। उसके बाद न मिस्टर शर्मा दिखे, न मिसेस शर्मा, ना वो मेहरूनी रंग का स्वेटर। लेकिन एक दिन अचानक अकेले मिस्टर शर्मा कॉर्नर में खड़े दिखे। मैं अपने आप को रोक ना पाया और दौड़ के उनके पास गया और पहली बार बात की और कहा कि हेलो, आपने मुझे पहचाना। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि हाँ, तुम वही हो ना जो ट्रेन में घूरते रहते हो। खैर, मैंने उस बात को ज्यादा तवज्जो ना दी और आती हुई ट्रेन में उनके साथ चढ़ गया और पूछा, क्या हुआ, आज आप अकेले? मिसेस शर्मा, मेरा मतलब है वो लेडी जो आपके साथ रहती थी, वो नहीं आई। और मिस्टर शर्मा ने जवाब न दिया। पार्ला गुजरा, सांता क्रूज गुजरा, खार गुजरा और उन्होंने एक बार और पूछने पे कहा, यार मुझे माफ करो, मैं एज इट इज बहुत परेशान हूँ। शी पास्ड अवे, वो बीमार थी। और थोड़ी देर में ट्रेन बांद्रा स्टेशन पे रुक गई। लोगों का जमघट उतरने लगा और चढ़ने लगा, मानो जैसे जिंदगी लोकल ट्रेन की तरह है। कुछ लोगों को थोड़ा आगे जाना होता है और कुछ लोगों को जल्दी उतरना होता है। मैंने पूछा, एग्जैक्टली हुआ क्या था? तो जवाब आया, देखो यार, वो बहुत जिद्दी थी, कैंसर था उसको। मेरे मना करने के बावजूद रोज वो मुझे ऑफिस तक छोड़ने आया करती थी ट्रेन में। आखिरी स्टेशन पे उतर के वापस घर चली जाती थी। इसी बहाने बस वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहती थी। मैं मना भी करता था, पर हालात ऐसे थे कि मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकता था। ये बात सुनकर सच में मुझे पहली बार लगा कि किताबों वाला प्यार किताबों के पन्नों से बाहर। जब कोई सिर्फ एक घंटा साथ में गुजारने के लिए इतना कुछ करता है। ये एक बड़ी इमोशनल सी स्टोरी थी, लेकिन मैं रोया नहीं। मैं तब तक न रोया जब बात करते करते मेरा ध्यान मिस्टर शर्मा के सीने पर गया और मुझे ये एहसास हुआ कि मिस्टर शर्मा ने वही मेहरूनी रंग का स्वेटर पहना हुआ था जिसका दायां बाजू आज भी न सिला था।